प्रिय विद्यार्थियों, बे पार्ट फर्स्ट दर्शन शास्त्र में आप लोगों के जो है सिलेबस में दो प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन है और दूसरा प्रश्न पत्र जो है पाश्चात्य दर्शन है। सेकंड पेपर के बारे में हम जो है आपसे चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर का जो सिलेबस आपके रखा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पाश्चात्य दर्शन जो पाश्चात्य देशों का दर्शन कहलाता है, पाश्चात्य दर्शन को हम सिलेबस की दृष्टि से जो है तीन भागों में बांटकर देखेंगे। एक ग्रीक दर्शन, एक मध्ययुगीन दर्शन और एक आधुनिक दर्शन के रूप में बांटेंगे। तो तीन भागों में बांटकर इस दर्शन की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को पाश्चात्य दर्शन की साहित्य के बारे में या पुस्तकों के बारे में बता देता हूं। जो आप लोगों को पुस्तकें पढ़नी है सिलेबस में वो आप लोग देखें। डॉक्टर सीडी शर्मा, पाश्चात्य दर्शन की जो पुस्तक है वो सीडी शर्मा की पुस्तक है। चंद्रधर शर्मा की पुस्तक है, चंद्रधर शर्मा की पुस्तक पाश्चात्य दर्शन की है, उसके द्वारा आपका सिलेबस कवर किया जा सकता है। उसके बाद में जो है पाश्चात्य दर्शन की जो ये पुस्तक है, इसके अतिरिक्त जो है डॉक्टर रामनाथ वर्मा की पुस्तक है, जगदीश साई श्रीवास्तव की जो पुस्तक है वो तीन भागों में बटी हुई है। ग्रीक दर्शन के रूप में, मध्ययुगीन दर्शन के रूप में और आधुनिक दर्शन के रूप में। तीनों पुस्तकें जो है, तीन पुस्तकें हैं जो अलग अलग पार्ट्स के रूप में हैं। एक पुस्तक पहला भाग जो है वो ग्रीक दार्शनिकों के बारे में चिंतन करती है, दूसरी मध्ययुगीन दर्शन के रूप में और तीसरा जो है आधुनिक दर्शन के बारे में है। तो तीन वॉल्यूम के अंतर्गत जो है जगदीश साई श्रीवास्तव की पुस्तक है। इसके अलावा डॉक्टर प्रोफेसर दयाकरसन की जो पुस्तक है पाश्चात्य दर्शन का परिचय के रूप में, ये दो वॉल्यूम में रखी गई है, दो भागों में रखी गई है। तो दो वॉल्यूम के अंतर्गत जो है पाश्चात्य दर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जो है डॉक्टर बी एन सिंह की पुस्तक है, उसमें भी भारतीय दर्शन की जानकारी मिलेगी। डॉक्टर डी आर जाटव की पुस्तक जो पाश्चात्य दर्शन का परिचय के नाम से पुस्तक है, वो भी आपके सिलेबस में है। तो आप लोग इनमें से किसी भी पुस्तक का चयन कर सकते हैं। सीडी शर्मा की पुस्तक भी अच्छी पुस्तक है, डॉक्टर डी आर जाटव की पुस्तक भी अच्छी है, और उससे ज़्यादा जो अच्छी से अच्छी पढ़ोगे। लेकिन हम प्रारंभ में यदि बात करें, क्योंकि बी ए पार्ट फर्स्ट का विद्यार्थी जो है उसको समझे सही ढंग से भाषा की दृष्टि से, या क्योंकि क्लिष्ट भाषा में जो है पाश्चात्य दर्शन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रोफेसर दयाकरसन की पुस्तक को हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में देखने को मिलेगी। तो पहले हम सरल चीज़ों से प्रारंभ करें और धीरे धीरे जब हमारे ये समझ में आ जाए तो और भी अच्छी से अच्छी पुस्तकों की ओर बढ़ेंगे। तो आप डॉक्टर डी आर जाटव की पुस्तक पढ़ सकते हैं, सी डी शर्मा की पुस्तक पढ़ सकते हैं, या जो है याकूब मसीह की पुस्तक भी जो है पाश्चात्य दर्शन का समीक्षात्मक विवेचन के नाम से पुस्तक आती है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें भी जो है पाश्चात्य दर्शन के बारे में जो है चर्चा देखने को मिलेगी। बी एन सिंह की पुस्तक है, वो भी आपके सिलेबस को कवर करती है सरलतम भाषा में, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कोई भी एक पुस्तक जो है आपके जो है ले सकते हैं और उसके अनुसार आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं, चाहे वो सी डी शर्मा की पुस्तक हो, डॉक्टर डी आर जाटव की पुस्तक हो या डॉक्टर बी एन सिंह की पुस्तक हो। और ये चीज़ें पढ़ते हो तो उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना तो अन्य पुस्तकें भी देख सकते हैं। अंग्रेजी का कोई विद्यार्थी है तो वो थिल्ली की पुस्तक आती है जो पाश्चात्य दर्शन एंड इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसफी के रूप में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो पाश्चात्य दर्शन का जो सिलेबस की हम चर्चा करेंगे कि पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम सोफिस्ट दार्शनिकों के बारे में चर्चा करेंगे। थेलीज है, जेनोफीज है, हेरेक्लाइट्स है, पार्मेनाइडीज है, प्रोटोगोरस है, जॉर्जियस है, इन सब के जीनो है, इन सब के बारे में जो विचार जो है वो सोफिस्टों के रूप में देखने को मिलेगा। सोफिस्ट जो है जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्तियों का जो समूह था वो सोफिस्टों के रूप में जाना जाता है। तो उनके जो दर्शन को जो हम प्रारंभिक रूप से देखेंगे पाश्चात्य दर्शन के परिचय के रूप में, और सोफिस्ट दर्शन के बाद में हम जो है एक गुरु शिष्य परंपरा की बात हम करेंगे।
सोक्रेटिक जो सोक्रेटिस का दर्शन, जो सुकरात का दर्शन है, जो पाश्चात्य दर्शन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, सोक्रेटिस और उनका फिर शिष्य जो है वो है प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य जो है अरस्तु। ये गुरु शिष्य परंपरा है, जो हम सोक्रेटिस के दर्शन को देखेंगे, उसके बाद में प्लेटो का दर्शन देखेंगे, और उसके बाद में उसके शिष्य एरिस्टोटल के दर्शन के संदर्भ में देखेंगे। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा का तात्पर्य नहीं कि तीनों का दर्शन हमें एक जैसा ही देखने को मिलेगा। सोक्रेटिस के दर्शन को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो प्लेटो को जाता है। जैसा कि हम सोक्रेटिस का दर्शन जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सोक्रेटिस ने किसी भी पुस्तक की रचना नहीं की थी। सोक्रेटिस का जो दर्शन है उसको विकसित रूप देने का जो श्रेय जाता है उसके शिष्य प्लेटो को ही जाता है। और प्लेटो ने न केवल जो है सोक्रेटिस के ज्ञान को जो है सबके सामने रखने का प्रयास किया, वरन उस ज्ञान में जो है संशोधन या उस ज्ञान को विकसित करने का जो प्रयास किया गया वो भी प्लेटो के द्वारा किया गया है। तो प्लेटो का दर्शन जो है एक सुव्यवस्थित दर्शन के रूप में जाना जाता है, बहुत ही अच्छा दर्शन, बहुत ही व्यवस्थित दर्शन के रूप में, जो सोक्रेटिस के विचारों को भी उन्होंने विकसित रूप देने का प्रयास किया है। और जो सोक्रेटिस के दर्शन में कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास प्लेटो ने किया, और प्लेटो के दर्शन में जो कमियां थी उन कमियों को जो है दूर करने का जो प्रयास किया या उसको विकसित रूप देने का जो श्रेय दिया श्रेय जाता है वो एरिस्टोटल को जाता है, अरस्तु को जाता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है जो सामान्य रूप से हमें देखने को मिलती है कि एक जो है जो गुरु है वो शिष्य को ज्ञान दे रहा है, उसके बाद में जो उसकी परंपरा के रूप में एरिस्टोटल को तक जाता है। तो भारत में भी, भारतीय दर्शन में भी देखते हैं कि प्राचीन काल में जो गुरु शिष्य परंपरा ही देखने को मिलती थी। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था, शिष्य फिर जो है अपने शिष्य को ज्ञान देता था, और उस रूप में ज्ञान जो है निरंतर चलता रहता था। तो इसके बाद में जो है सबसे पहले हम जो है सोफिस्टों के बारे में देखेंगे, जिनकी बात हमने कही थी, थेली है, जॉर्जियस है, प्रोटोगोरस है, हेराक्लाइड्स है, जीनो है, पार्मेनाइडीज है, इन सब के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो है ग्रीक दर्शन, और ग्रीक दर्शन में किसकी बात करेंगे, सुकरात की बात करेंगे, अरस्तु प्लेटो की बात करेंगे, अरस्तु की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो चर्चा हम करेंगे वो संत परंपरा के दर्शनों की बात करेंगे, और संत परंपरा के अंतर्गत जो है संत परंपरा के अंतर्गत क्या करेंगे, संत परंपरा में जो है प्लेटोनाइस है, एक्विनास है, ऑगस्टाइन है, ये तीन दार्शनिक जो है संत परंपरा या मध्ययुगीन दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आपके सिलेबस में जो है एक्विनास को रखा गया है, तो एक्विनास के दर्शन की जो चर्चा जो हम मध्ययुगीन दर्शन के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद में जो है आधुनिक दर्शन के संदर्भ में हम देखेंगे तो दो भागों में बांटकर जो है आधुनिक दर्शन को दो भागों में बांटा गया, एक जो है बुद्धिवादी दार्शनिक है और दूसरा जो है अनुभववादी दार्शनिक। दो परंपराएं हैं आधुनिक दर्शन में, दो परंपराएं हमें देखने को मिलेगी, एक बुद्धिवादी दार्शनिक परंपरा और एक आधुनिक दार्शनिक परंपरा। जो बुद्धिवादी दार्शनिक परंपरा है उनका यह मानना है कि ज्ञान की उत्पत्ति या ज्ञान का जो उद्गम होता है वो किसके द्वारा होता है, ज्ञान का उद्गम जो है बुद्धि के द्वारा होता है, हमारा समस्त ज्ञान जो हमारी बुद्धि में अंतर्निहित होता है और उसी के द्वारा जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की उत्पत्ति का मूल स्रोत जो है, जो लोग जो है बुद्धि को मानते हैं वो बुद्धिवादी दार्शनिक है, और जो ज्ञान का मूल स्रोत जो है बुद्धि के स्थान पर अनुभव को या इंद्रियों को मानते हैं उसे अनुभव, उन्हें अनुभववादी दार्शनिकों के नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभिक जो तीन दार्शनिक है जिसमें डेकार्ट की बात हम करेंगे, स्पिनोजा है, लाइबनिज है, ये तीन दार्शनिक है जो बुद्धिवादी दार्शनिक है, तीन दार्शनिक जो है बुद्धिवादी है। इनका ये मानना है कि ज्ञान जो है बुद्धि में अंतर्निहित होता है, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, अर्थात ज्ञान जो है जन्मजात रूप से विद्यमान रहता है, किसमें, हमारी बुद्धि में अंतर्निहित रहता है। दूसरा जो मत है ये मानता है कि नहीं, ज्ञान हमारी बुद्धि में पहले से अंतर्निहित नहीं है, मन तो हमारा एक कोरे कागज के समान है और उसमें हमारी जो इंद्रियां है, हमारा जो अनुभव है उसके द्वारा जो है ज्ञान अंकित होता है। तो अनुभववादी जो दार्शनिक है जिसमें लोक है, बर्कले है, डेविड ह्यूम है,
इन तीनों का जो दर्शन है वो अनुभववादी है। इनका ये मानना है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो अनुभव के द्वारा होती है, न कि बुद्धि के द्वारा। और इसके बाद में जो अंतिम दार्शनिक है, अंतिम जो दर्शन आपके सिलेबस में रखा गया है वो है इमानुअल कांट, जो जर्मन दार्शनिक है। जर्मन दार्शनिक ने दोनों विचारधाराओं अर्थात बुद्धिवादी और अनुभववादी, इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय करने का प्रयास किया। इन दोनों में जो कमियां थी, ये इन दोनों की कमियों का निराकरण करके इनके दोषों को दूर करने का प्रयास किया और एक समीक्षात्मक, एक जो है विवेचनात्मक या समीक्षात्मक दर्शन का प्रतिपादन इन्होंने किया। तो कांट के दर्शन के अंतर्गत हम जो है एक समीक्षात्मक दर्शन की बात करेंगे। तो पाश्चात्य दर्शन का जो सिलेबस आप लोगों को बताया गया है कि पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहले हम जो है ग्रीक दार्शनिकों के बारे में बात करेंगे। ग्रीक दार्शनिक जो है सामान्य रूप से हम देख रहे हैं कि सोक्रेटिस, प्लेटो और अरस्तु, ये तीनों महान दार्शनिक माने जाते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में संत परंपरा में संत एक्विनास, जो ईश्वर के बारे में चर्चा करता है, जो दर्शन और ईश्वर के बारे में बात करेगा या धर्म के बारे में बात करेगा, दर्शन और धर्म में अंतर क्या है या आस्था और तर्क में जो अंतर है उसके संदर्भ में बात करेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो है दो जो परंपरा हमारी है, बुद्धिवाद और अनुभववाद, जिसमें बुद्धिवाद में तो हम बात कर रहे हैं डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, तीन दार्शनिकों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और अनुभववादी दार्शनिकों के रूप में लोक है, बर्कले है, डेविड ह्यूम के बारे में बात करेंगे। और इन दोनों का जो समीक्षात्मक जो अध्ययन करने का प्रयास किया गया, समीक्षात्मक विवेचन करने का जो प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया, इमानुअल कांट के द्वारा किया गया। तो ये बीए पार्ट फर्स्ट में जो सेकेंड पेपर आपका पाश्चात्य दर्शन है उसका सिलेबस है। आप लोगों को उसके रूप में आप लोगों को इन दर्शनों को पढ़ना है। इन दर्शनों में जो है तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा, इन तीन चीजों की हम चर्चा प्रत्येक दर्शन के संदर्भ में करेंगे। तो एक एक दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है, उसकी तत्व मीमांसा क्या है, उसकी नीति मीमांसा क्या है, उनके संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले जो है थैली जाति के बारे में, जो ग्रीक दर्शन के रूप में या हम सोफिस दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हमारा जो है जो महान दार्शनिक जो है बुद्धिवादी, जो प्रारंभिक रूप से ग्रीक दार्शनिक कहलाते हैं, सोक्रेटिस के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में या प्लेटो के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो ये आप लोगों का सिलेबस पाश्चात्य दर्शन का है। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में बहुत सारा अंतर हमें देखने को मिलेगा कि भारतीय दर्शन जो है मनुष्य की व्यवहारिक समस्याओं के बारे में चिंतन करता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन जो है मनुष्य की व्यवहारिक समस्याओं पर विचार न करके सैद्धांतिक बातें करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में समस्त दर्शनों में जो है दुख के बारे में चर्चा की जाएगी, और न केवल दुखों के बारे में चर्चा की जाएगी वरन उन दुखों का निदान करने की भी चर्चा की जाएगी, परंतु पाश्चात्य दर्शन में इनके बारे में चर्चा देखने को नहीं मिलती। भारतीय दर्शन का जो चरम लक्ष्य है अधिकांश भारतीय दार्शनिकों का वो मोक्ष के रूप में देखने को मिलता है, परंतु पाश्चात्य दर्शन में मोक्ष की कहीं चर्चा नहीं देखने को मिलती। तो बहुत सारे अंतर जो है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के रूप में देखेंगे जब हम सिलेबस को प्रारंभ करेंगे। तो केवल ये जो है सिलेबस के बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी है कि आप लोगों का बीए पार्ट फर्स्ट में दर्शन शास्त्र में जो सेकंड पेपर है उनमें कौन कौन से दार्शनिकों को आप लोगों को पढ़ना है और किन पुस्तकों के द्वारा आप लोग इन दार्शनिकों का अध्ययन कर सकते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। तो आप वीडियो नियमित रूप से देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों का मालूम हो कि आप नियमित रूप से वीडियो देखते हैं, आप अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद।